आज मुंबई में भी कुछ सेलिब्रिटी जो है CAA के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं ये देश के साथ खड़े कब होते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देश हित का जब मुद्दा आता है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे देश हित में कोई भी मुद्दा सरकार ने उठाया है या सामाजिक संगठन ने जो भी उठाया है, तो बॉलीवुड कब खड़ा हुआ है? बॉलीवुड जो है ये तो दाऊद का गुलाम है। बॉलीवुड जो चल रहा है ये दाऊद के डर से चल रहा है। इसके लिए वो लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग बॉलीवुड का पूर्णतः रूप से बहिष्कार करते हैं। और यहाँ तक आपने देखा होगा खान बंधुओं की जितनी पिक्चरें रिलीज हुई हैं एक एक करके फ्लॉप हुई हैं, ये हमारे हिंदू समाज के संगठित होने का नेतृत्व है। क्या ये जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं ये एक ही पक्ष को देखकर आते हैं? जैसे जब मुस्लिम्स में बात आई थी कि उनके साथ ही मॉब लिंचिंग होती है तब उन्होंने लेटर लिखा, और आज जब मुस्लिम्स को डर लग रहा है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मुस्लिम को डर लग कहाँ से रहा है ये तो बताइए। इस कंट्री में 9% से 14% हो गए वो, यहाँ पे डर वाली बात कहाँ है? कोई नहीं डरा रहा, मैं मुस्लिम को कोई नहीं डरा रहा। मुस्लिम चाहते हैं कि जो रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पे आए हुए हैं वो यहीं के होके बस जाए और हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, उनका वोट बैंक बढ़े, जिससे कि वो जिस प्रकार 55 कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज है, आप कहीं भी देख सकते हो वहाँ पे कोई शांति स्थापित है? 55 कंट्रियों में हर टाइम इस्लामिक राष्ट्रवाद को लेके, कट्टर राष्ट्रवाद को लेके बात की जाती है। आमिर खान की बीबी को डर लग रहा था, करंडी सेना जब विरोध कर रही थी कि आमिर खान, अब इतने सारे पुलिस चौकी फूकी जा रही है, पुलिस को मारा जा रही है, तो आमिर खान की बीबी है कि चल बसी? हम तो ये पूछना चाहते हैं। नसरुद्दीन शाह जिंदा है कि वो 72 हूरों के पास पहुंच गया वो? हम तो यही पूछना चाहते हैं। आमिर खान और नसरुद्दीन शाह को यहाँ पे डर लगता है हिंदुस्तान में, और उनको बनाने वाला हिंदुस्तान ही है, मतलब उनका क्या वजूद है? कोई वजूद इसमें शामिल करना है तो मैम बांग्लादेश और पाकिस्तान का मतलब क्या? फिर वही ले लेते हैं, सभी को एक कर लेते हैं। जैसे और प्रोटेस्ट में भी 50% जब लोगों की वीडियो निकली है उनमें तो आधे लोगों को CAA का मतलब ही नहीं पता, लेकिन तब भी प्रोटेस्ट में वो आए। तो मैम ये सिर्फ वीडियो वही दिखाई जा रही है ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो CAB के पक्ष में उन्हें तो दिखाया ही नहीं जा रहा मीडिया के द्वारा। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है कि हिंदू राष्ट्रवाद की बात चल रही है। हम किसी राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करोगे। अगर आप इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करोगे तो हम भी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करेंगे। देखो सेलिब्रिटीज ने तो उनका कोई आज का रिकॉर्ड नहीं है। पहली चीज तो सेलिब्रिटीज आप किनको कहते हैं? ये जो नाचने गाने का काम करते हैं, कल परसों की बात है, एक वीडियो आया था फरहान अख्तर का, फरहान अख्तर से पूछा गया कि भैया CAA क्या है, आप प्रोटेस्ट करने क्यों आए हो? बोला कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप अपने घर चले जाओ। वो आपने एक छोटे से बच्चे का भी देखा होगा कि आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आए हो, बोला तानाशाही बंद करो तानाशाही। ये बच्चों वाले काम करने वाले लोग जिनको CAA का फुल फॉर्म ढंग से नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कब से कब तक के मांगे जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि यहाँ से किसी को निकाला नहीं बल्कि यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। वो सेलिब्रिटीज़ जो लोग 10वीं 8वीं पास हैं, वो बेचारे लोग जिन्होंने कभी अपने एक जिहादी अंडे से निकल के बाहर देखा नहीं है, उन बच्चों के तो मुझे बल्कि दिमागी हालत के ऊपर दया आती है। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूल की बसों पर पथराव देख रहे हैं। हमारे लोग ऑफिस जाने से डरे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। एग्ज़ाम जो है वो पीछे हटा दिए गए हैं। प्रोटेस्ट अभी BHU में हुआ था, कितने लोग निकले, अभी कितनी हिंदू बच्चियों का इतना जो है बहुत निर्ममता के साथ में रेप भी किया गया और फिर उसको जलाया भी गया, कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने अवार्ड वापसी हुई। मुसलमानों की वजह ये रीज़न ये है। आप अगर बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड जो है वो पूरी तरीके से एक जिहादी गैंगस्टर जो बहुत समय पहले हिंदुस्तान से भागा था, उसने जिसने पाकिस्तान में शरण ली हुई है सब लोग जानते हैं, उसी के आधार पर, दाऊद की मैं बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड चलता है। कहना तो क्या चाहेंगे, उनका फ्यूचर तो यही है कि वो चाहते हैं ये भी इस्लामिक स्टेट बन जाए, इस्लामिक कंट्री बन जाए, इसीलिए भड़का रहे हैं। ये बात तो सोनिया गांधी जी ने भी बोली है, राहुल गांधी जी ने बोली, आज नहीं निकले तो फ्यूचर के कायर कहलाओगे। हमें मिल के लड़ना होगा, और केजरीवाल इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं मुस्लिमों की वोट चाहिए उनको, अपनी वोट बैंकिंग के लिए, बस वोट बैंकिंग के लिए करें। उन्होंने पहले इलेक्शन में भी बोला था
कि केजरीवाल ने ये बोला था कि मेरा फंडिंग हुआ जो इलेक्शन है वो अरब से हुआ। सर उन्होंने आरोप तो डाल दिया दिल्ली पुलिस पर कि दंगे करा रही है, लेकिन उन छात्रों उन लोगों को कुछ नहीं कहा जो बसों में आग लगा रहे हैं, पुलिस चौकी पर आग लगा रहे हैं। आपको भी पता होगा जाफराबाद में 14 पुलिस वाले घायल है, उनके लिए कुछ नहीं कहा। वो टोटल ऑफ एक आतंकवादी संगठनों से रिलेशन रखते हैं, वो मतलब फॉलो करते हैं हर आतंकवादी को, इसीलिए बस काम भी कर क्या कर सकते हैं, ब्लास्टिंग कर सकते हैं। और पुलिस के ऊपर जो ब्लेम्ड कर रहे हैं, पुलिस खाम का किसी को कुछ भी नहीं कहती।